फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए, आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्ने और पिंपल के बारे में। पिंपल हमारे फेस पे क्यों होते हैं? पहला रीजन ये है कि अगर आप धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं, अपने फेस पे सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते, तो बाहर के एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपके फेस के पोर्स को क्लोज कर देती है और ये डस्ट इन्फेक्शन पिंपल्स के रूप में बाहर आती है। दूसरा रीजन ये है कि आपका खान पान, अगर आप बहुत ज्यादा अपनी डाइट में फैट यूज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा जंक फूड यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे फेस पे पिंपल और एक्ने शुरू हो जाती है। तीसरा रीजन है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। फोर्थ रीजन है हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होना। और फिफ्थ रीजन है अगर आप अपनी स्किन की प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपके फेस पे पिंपल्स और एक्ने होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा फेस बहुत ज्यादा खराब लगने लगता है और हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेडिसिन खाकर या हर तरह के महंगे डॉक्टर ट्रीटमेंट लेके थक गए हैं तो मेरे कहने पर इस पैक को एक बार जरूर आजमा के देखिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप खुद ब खुद फर्क महसूस करेंगे। तो इसे बनाना कैसे है, आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एस्प्रिन की 5 से 7 गोलियां लेनी है। वैसे तो एस्प्रिन पेन रिलीफ है पर इसे कई महंगे फेस पैक में भी यूज किया जाता है। ये फेस के एक्ने पिंपल्स को दूर करता है और चेहरे को बेदाग बनाता है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसको पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। ये मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, बहुत बारीक पीस लीजिए इसको। इसको पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हनी ऐड कर दीजिए। ये मैंने इसमें हनी ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर लीजिए। अपने पेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर लीजिए। गुलाब जल स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ऐसे इसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बनाने के बाद इसको फ्रेंड्स इफेक्टिव एरिया पे लगाइए, जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं वहाँ पे लगाइए। 15 से 20 मिनट सूखने के बाद इसको गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार लगाइए, नहीं तो हफ्ते में 2 बार। आपको पहले वीक में ही अपने फेस में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नॉलेज को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जिससे भी प्रॉब्लम है वो इसे यूज करके अपनी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।